हेलो दोस्तों, मेनिस्कस की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों मेनिस्कस हमारे शरीर की कुशन नुमा संरचना है। हमारे शरीर में दो मेनिस्कस पाए जाते हैं, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस। मेनिस्कस की चोट तब लग जाती है जब पैर में अचानक ट्विस्टिंग इंजरी हो जाती है। ज़्यादातर मेनिस्कस के साथ साथ एसीएल लिगामेंट की चोट होती है, लेकिन कभी कभी सिर्फ मेनिस्कस की चोट लगती है और एसीएल लिगामेंट को कोई डैमेज नहीं होता। ऐसे में सिर्फ मेनिस्कस का अगर रिपेयर कर दिया जाए तो आपके घुटने को बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इंडिया के हर कोने में मेनिस्कस रिपेयरिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर जगह या तो मेनिस्कस को बैलेंस कर दिया जाता है या मेनिस्कस की ट्रिमिंग कर दी जाती है, मेनिस्कस को काट दिया जाता है। दोस्तों मेनिस्कस की कटिंग करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि मेनिस्कस का जितना कम हिस्सा काटा जाए वही सेफ रहता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ा हिस्सा काट देंगे तो फ्यूचर में आर्थराइटिस का डर बना रहता है। हमारे यहाँ तो हम 100% कोशिश करते हैं कि मेनिस्कस को रिपेयर ही किया जाए। आज मेरे साथ एक ऐसे ही फाइटर मौजूद है जिनकी बकेट हैंडल मेनिस्कस टियर हुआ था और जिसको रिपेयर कर दिया गया है। आइए इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। आपका नाम क्या है भैया? मनीष कुमार। मनीष जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के गया जिला के। आपको लिगामेंट की चोट कैसे लग गई थी? भेरी बॉल खेलने में लग गया था 2 साल पहले। तो आपको क्या दिक्कत आ रही थी इस चोट की वजह से? चलने में दिक्कत हो रहा था और घुटना जाम हो जा रहा था। कभी कभी आपका पैर अटक जाता था क्या? जी। दोस्तों जब बकेट हैंडल मेनिस्कस टियर होता है तो पैर का जो हिस्सा जिसके अंदर की मेनिस्कस फंस जाता है वहाँ पे बार बार लॉकिंग हो जाती है। फिर आप जब पैर को हिलाते डुलाते हैं, सीधा करते हैं, तो फिर दोबारा से लॉकिंग खुल जाती है। लेकिन कभी भी इमरजेंसी में लॉकिंग हो सकती है, जैसे आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं तो वहाँ लॉकिंग हो सकती है। ऐसे में क्या होता है कि इंसान बिल्कुल लंगड़ाने लग जाता है और 2-3 दिन बहुत मुश्किल से निकलते हैं। यानी कि मेनिस्कस की चोट कभी भी इमरजेंसी बन सकती है। अगर समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो बाद में तो मेनिस्कस को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। इनका मेनिस्कस रिपेयरिंग यहाँ पर सफलतापूर्वक कर दिया गया है। आपको मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे लगी? यूट्यूब चैनल से। आपने मेरे कितने वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे? 20 वीडियो देखे हैं। तो आपके मन में ये नहीं था इतनी दूर मैं जा रहा हूँ तो पता नहीं वहाँ पे सही सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके मन में कोई डर या ऐसा था? सर, वीडियो देख के हमको बहुत अच्छा लगा। आप जो जिस तरह से समझा रहे थे वो हमको बहुत अच्छा लगा। आप जो यहाँ पर आए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पे कोई धोखेबाजी तो नहीं हो गई आपके साथ? नहीं, कुछ नहीं, जैसा देखे थे उससे ज़्यादा था अच्छा। यहाँ आप यहाँ पर आके आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सही डिसीजन लिया यहाँ पे आके? बिल्कुल सही डिसीजन लिया। दोस्तों इनका मेनिस्कस रिपेयरिंग कर दिया गया है। इनका मेनिस्कस रेड रेड जोन में था, रेड रेड जोन, रेड वाइट जोन में हमेशा ही मेनिस्कस को रिपेयर किया जाना चाहिए। इसके लिए हमने फास्ट फिक्स ऑल इनसाइड टेक्निक का सहारा लिया है, जिसकी मदद से मैंने आपको दिखाया था। आपने देखा था आपका मेनिस्कस रिपेयर होते हुए? हाँ, देखे थे अपनी आँखों से। तो दोस्तों इनको 45 दिन के लिए वॉकर यूज़ करना पड़ेगा, धीरे धीरे पैर को बैंड करना है। 45 दिन के बाद ये फुल वेट देके धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देंगे। 3 महीने में हम इनकी जॉगिंग स्टार्ट कर देंगे। पूरी उम्मीद है कि 4 से 5 महीने में ये पूरी तरह फिट हो जाएंगे। अगर आपको भी ACL की या मेनिस्कस की चोट आई है और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि कहाँ पर प्रॉपर इलाज होगा, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है मनीष, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।